पूर्वी लद्दाख में भारत ने पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया है। चीन के साथ अगर झड़प होती है तो भारत के ये पैरा स्पेशल फोर्स अपना दम दिखाएंगे। आपको बताते चले, 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में भी पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने कई आतंकी अड्डों को तबाह किया था और अब पूर्वी लद्दाख में इनकी तैनाती की गई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हिंदुस्तान की है तैयारी। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, सर्जिकल स्ट्राइक में भी हिस्सा ले चुके हैं ये कमांडोज, इनकी तैनाती की गई है, मकसद क्या इसका निकाला जाए और साथ ही चीन के लिए कितना बड़ा खतरा? अभिषेक के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से दर्शकों को हम बताते हैं, पूर्वी लद्दाख में भारत ने पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया है। चीन के साथ अगर झड़प होती है तो भारत की ये पैरा स्पेशल फोर्स अपना पूरा दम दिखाएंगे। 2017 में आपको याद भी होगा पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें भी पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने कई आतंकी अड्डों को तबाह किया था। यानी पाकिस्तान को सबक सिखा चुके हैं ये और अब बारी चीन की है। चीन अगर कोई भी इस तरह की हमाकत करता है तो फिर उसको मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैनाती, ऑपरेशन रोल्स के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें, एक के बाद एक भारत सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां चीन के खिलाफ की गई है बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, तो वहीं दूसरी तरफ अब लद्दाख में भी है पूरी तैयारी, जिसके मद्देनजर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, पैरा स्पेशल फोर्स की तैनाती इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और चीन के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी।